राधाल्लभ श्रीहरिवंश राधाल्लभ श्रीहरिवंश। वृन्दा श्वरी तवैवपदारविन्दम् प्रेमातैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितम् मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि परम शीतल श्रेया प्यारी जो जब जब देखो तेरों मुख तब तब नयो नयो ला प्यारी जू प्यारी जू, प्यारी जू, जब जब देखो तेरो तब तब नयो नयो लागत जब जब देखो मुख तब तब नयो नयो लागत ऐसो सो भ्रम हो कब हूँ न देखो ऐसो ए सो भ्रम कब हूँ देखो नरी दूती को दूती लेखनी न कागत को चंद ते कहारी दुराय नए नए रागत नए नए, नए etti. Piyari ju, piyari ju. Jab jab dekho, tero muk, tab tab nayo nayo lagat. हरिदास के स्वामी श्याम कहतु काम की शांति न हो न हो तृपित रहो निष दिन जागत नह ई रहो रह नह ई रहो इो जागत प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नो नयो, नयो। लागत तब, तब नो नो लागत उपासना उपास्य देव में पूर्ण आत्मसमर्पण समस्त उपासकों के जीवन में जब कोई दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी भगवत साक्षात्कार करना है या तो कोई भारी भय उपस्थित हो जाता है माया के द्वारा या कोई भारी प्रलोभन उपस्थित होता है दोनों में प्रार्थना है उपासक पहचाने कि ये विघ्न है ना कि सत्य है सत्य नहीं है ना प्रलोभन और ना भय पूज्य भाई जी महाराज ने जब निर्णय किया हृदय से कि अब सब कुछ त्याग करके एकांत में निरंतर प्रिया प्रीतम का भजन करेंगे तो उसी बीच में बहुत अरब खरबपति धनी आए और भाई जी से पूर्व परिचय था उन्होंने भाई जी आज भगवान ने मुझे प्रेरित किया है क्या बोले सर्वस्व आपको देने का अब मेरे से संभाला नहीं जाता है खूब अरबों खरबों का धन है ये सब आप स्वीकार कीजिए बस आप देखते रहिए जो मैं नहीं देख पा रहा हूं अब मेरी सामर्थ्य नहीं आप इसे संभाल लीजिए व्यापार बड़ी बड़ी फ्रैक्ट्रिया बस आपको बैठे रहना है आपका सर्वस्व है भाई जी मुस्कुराए कि माया की चाल है उनका नहीं भाई मेरा निश्चय अटल है मैंने निश्चय किया है कि अब सर्वस्व त्याग कर केवल प्रभु का भजन करेंगे गया तूफान आया था माया का प्रलोभन खत्म भयावह भी बड़ी परिस्थिति आती है कभी शरीर की कभी बाहर विषम परिस्थिति माया फंसा लेती है बड़ा भय उपस्थित करती है शरीर रोग से ग्रसित तो हो जाना बाहर विपत्ति हो जाना परिवार रिश्तेदारों का प्रतिकूल हो जाना ये माया का षडयंत्र है उपासक निश्चय कर लेता है जबकि भगवत प्राप्ति करना है तो हमने मृत्यु का वरण कर लिया बहुत ध्यान से समझना तभी चल पाओगे मृत्यु का वरण कर ले मर चाहे जाओ प्रभु को नहीं छोड़ सकता चाहे शरीर छूट जाए सब संबंध छूट जाए दूरादपाश स्वजनान स्वजन छूट जाए उपासक यहां कमजोर पड़ जाता है या तो प्रलोभन उसे परास्त कर देता है या फिर कहीं ये हमारे स्वजन संबंधी दुरादपाष्य जिनको आचार्य चरण कह रहे हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए कहीं ये असंतुष्ट ना हो जाए नहीं जब हमने सप्तज हरिभज ये सूत्र स्वीकार किया है अब नहीं दुरादपाष्य स्वजनान अगर हम इनके रिझाने में समय नष्ट कर देंगे तो प्रियाजू को कब रिझाएंगे उपासक बैलेंस बना करना चले ये मार्ग ऐसा नहीं है ये अनन्य मार्ग है एक बार जब मूड मुड़ मुड़ा लिया एक बार जब निश्चय कर लिया तो वृंदावन ऐसे रहे ना है हाँ आप हमारे हैं तो हमारी रहनी से रहिए प्रिया प्रीतम को अपना मानिए भजन कीजिए भगवत प्राप्ति कर लीजिए तो आप हमारे हैं कोई भी हो यदि नहीं तो कैसे आप हमारे तो चाहे स्वजन इसमें हो चाहे संबंधी हो इसमें चाहे कोई भी हो नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुशेभ्य जहाँ लो यदि भगवत प्राप्ति के लिए आपकी आकांक्षा है तो हम झुक जाएंगे हमारे सर पर पैर रखकर आप चलो चढ़ो इस ऊँचाई पर हम आपके चरणों के नीचे झुक जाएंगे आप ऊपर उठो यदि आप भगवत संबंध से युक्त नहीं तो हमारे आप कितने सगे संबंधियों हमारा आपसे परिचय भी नहीं होना चाहिए वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाए वृंदावन बड़ी कृपा से मिला है भाई प्रिया प्रीतम मिलने के लिए उत्सुक हैं तब आपको ये संयोग बैठाला है अब आप समिट जाइए ना कोई प्रलोभन ना कोई भय आप चार रोटी पाते हैं प्राणों का पोषण हो रहा है दिन रात आयु नष्ट होती जा रही लक्ष्य बहुत दूर है हमें पहुंचना है शाम होते होते अपने घर पहुंचना है जीवन की शाम कहीं रास्ते में न ब्यतीत तो हो जाए हम अपने घर आ जाए अपने प्रिया लाल से मिलने बड़े विघ्न है बड़ा खिंचाव है बड़ी बाधाएं हैं पर दृढ़ निश्चय के मार्ग में नहीं ये बहुत धैर्य से सुनना हृदय की बात कह रहा हो बड़ी बड़ी ऊंचाई से पैर पकड़ के माया नीचे घसीट लेती है अपने प्रपंच रूपी दलदल में कहीं हमारी जीवन की शाम रास्ते में न ब्यतीत हो जाए जीवन की शाम होते होते एक बार लाड़िले युगल सरकार के चरणों में माथा रखते हैं। यही हमारा सौभाग्य उदय हुआ है कि श्री जी ने मार्ग दिया है हमारी अंतिम श्वास उनके चरण पकड़ के छूटे ये लक्ष्य बना लो समस्त वैभव इनके चरणों में है प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंगलम ध्यमापदी लालजू के चरणारविंद चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरी राम एक बार जो गोरे चरणारविंद को प्रणाम करता है श्रीजी चिंतामणि की तरह उसके चिंतित पदार्थों को चिंतित वस्तुओं को प्रदान कर देती है क्या हम पदार्थ और वस्तु श्री जी से ले श्री जी को ही क्यों ना मांग लें कि आप हमारी स्वामिनी और हम आपकी सेवा में मगन रहे इससे बढ़कर हमें और क्या मिल सकता है यहां की हर वस्तु नाशवान हर पद नाशवान हर प्रेम यहां का नाशवान है शाश्वत नहीं है क्योंकि शरीर ही शाश्वत नहीं तो यहां का व्यवहार शाश्वत कैसे हो सकता है हमसे चूक हो जाती है हमसे गलती हो जाती है हमारी श्री जी करुणामयी है उनकी तरफ ध्यान नहीं देती है अब एक लक्ष्य बनाना चाहिए हमें श्री जी चाहिए ऐसे ही रटो हमें श्री जी चाहिए ए मन अब नहीं अब मुझे श्री जी चाहिए मैं थक गया तेरी बात पूर्ति करते करते फंस गया अनंत जन्मों से तूने मुझे फंसाया अनंत जन्मों से तूने मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलाया रुलाया अब नहीं अब तो श्री जी के लिए रोएंगे अब श्री जी के लिए जलेंगे अब श्री जी के लिए ही हमारा जीवन है उपासना का आंतरिक स्वरूप यही है अगर अंतर में हमारे बात नहीं आएगी तो विषयों का जाल बुनने वाले मन और बुद्धि ये हमको फंसाते रहेंगे जब हमारे द्वारा कोई भी विपरीत आचरण हो जाता है तो शास्त्र वाक्य सुनते हुए भी नहीं समझ में आते गुरु की बात सुनते हुए भी समझ में नहीं आती गुरु का प्रेम बहुत लघु लगने लगता है और संसार के संबंधों का प्रेम गरिष्ठ हो जाता है वो प्यारे लगने लगते हैं जब हमसे त्रुटि हो जाती है यदि हम सही परमार्थ में चले तो गुरुदेव के वचनों पर प्राण त्याग देने की हिम्मत होनी चाहिए संसार का राग भोग वस्तुएं ये तो बहुत छोटी सी बात है क्योंकि गुरुदेव श्रीजी का मंत्र दे दिया अर्थात श्री जी को अधीन करने की वो बीज मंत्र वो सामर्थ्य दे दी अगर उसका आप रटन करें तो खुद आप देख लेंगे क्या मिला है आपको श्रीपाद वर्णन करते हैं देख लो क्या राधा नाम है श्रीपाद इसमें भी महाप्रभु ने दो तो। बहुत सुंदर वर्णन किया श्रीमद राधा सुधा निधि में के कुंज में बैठकर राधा राधा करते हुए अशुभ प्रवाह कर रहे, श्रीपाद कह रहे हैं हैं दिश कश्यामणीय रमणीय मूर्ति कामुचि कदम करम बिश्य विद्युत पिशंग निशम्य राधा राधा नादिम अक्षरपीक्षर दास विश्व में अगर उपासना के क्षेत्र में कोई उदाहरण है बंदनी है तो गोप हैं है गोपी जन है क्यों क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान रूप है वो? बंदे नंद नाम पाद रेणुम अभीक्षण शाह उनकी शिव शनकादि ब्रह्मादि बड़े बड़े उद्धवादि ईश्वरज की वंदना करते हैं याशाम हरि कथोदगीतम पुनाति भोनत्रयम तीनों लोकों को पावन करने वाली इनकी चर्चा है गोपीजनों की इनकी चरण रज बड़े बड़े महापुरुष वंदना करते हैं ऐसे गोप रमणियों के भी परम रमणीय सौंदर्य वाले श्री जी महाराज बिजली की भांति अद्भुत कांतिवान पीतांबर धारण किए हुए हैं विद्युत पिशंग वसन पीत पीतवर्ण और बिजली किसी कांति वो कदम्ब वृक्ष के नीचे डाल पकड़ के कदम्ब की सिथी ले और उच्चारण कर रहे हैं राधा 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 आदि अक्षरम अपी मीक्षे राधा अशुभ प्रवाह कर रहे हैं एक एक श्वास में से राधा 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 और अशुभ प्रवाह कर रहे हैं ये राधा नाम स्वयं जिनका नाम पूरे जगत के भगत जपते हैं वो प्रभु विद्युत पिशंग वशन से निशम राधा राधा नामादिमक्षरमी क्षरदाश्य मीक्षे इस नाम का अक्षर अक्षर स्वाद ले स्वाद लेना तो लाल जो ही जानते हैं जपत हरि विवश कैसे जप रहे राधा राधा विवश विवश जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं ये राधा नाम वृंदावन की कृपा से रसिकों की कृपा से हमें श्रवण और कथन करने का सौभाग्य मिलता है नहीं आप राधा बोल भी नहीं सकते ये लालजू के हृदय का गुप्त धन है शुकाचार्य जी ने इसीलिए एक बार भी राधा नहीं भूला क्योंकि सात दिन की आयु है परीक्षित की सातवें दिन तक्षक दसेगा और उनका कल्याण करना है अगर एक बार भी राधा बोल देते तो भाव समाधि लग जाती इनकी ताते श्री सुख प्रगट कियो नहीं जान सार को सार परम धन राधा नाम धा ये बड़ा सौभाग्यशाली उपासक है जो इस बात पर विश्वास कर लिया है कि हमको हरि की असीम कृपा मिली तब राधा नाम मिला लालजू कहीं ना कहीं अत्यंत प्रसन्न है तब हमें राधा नाम जपने को मिलता है लाल रंगीलो गाई ये ताते प्रीति रंगीली पाई प्रियाजू के नाम की प्रीति प्रियाजू के चरणों की प्रीति ये हरी हम पर बहुत प्रसन्न हो गए किस नाते से प्रसन्न हुए पता नहीं किस सदगुण से प्रसन्न हुए पता नहीं ऐसा कोई सदगुण तो है नहीं बस अहेतु की कृपा उन्होंने अपने हृदय धन श्री राधा किशोरी के चरणों का आश्रय और नाम दे दिया सच्ची मानिए अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं बस इसका स्वाद लेने की जरूरत जो हमें मिल गया है बहुत बड़ी चीज मिली है हम इसका स्वाद लें बार 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 हम लोग व्यवहारिक धरा के होने के कारण उनके ना हृदय की बात समझ पाते हैं ना प्रगट में वो बोलते हैं ना उसकी बात समझ उत्तम साधक तो यही कि रुचि के अनुसार चले बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा विश्वास कीजिए हम लोग यात्री हैं पर हम सवारी पे बैठे हुए हैं हमारी यात्रा हो रही है हम यात्रा नहीं कर रहे श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक इसे समझ लीजिए हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका पे बैठे हैं और ये नौका कभी डूबती नहीं है कभी पलटती नहीं है कब बैठे हम कैसे मान ले कि नौका में हम बैठ गए बोले नाम श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका अगर आप राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे तो आप प्रताप रूपी नौका में बैठे हरिवंश प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत हैं हरिवंश प्रबोध प्रमाणत हैं हरिवंश सु सर्वस्व हैं तीन के सुख संपत्ति दंपति जो जिनके उनको प्रियालाल प्राप्त होते हैं जो हरिवंश प्रताप को जानते हैं क्या हरिवंश का प्रताप है कैसे उपापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे फिर हरिवंश नाम को सेवक जी ने विद्या कहा है ये जो हरिवंश नाम है ये अविद्या का नाश करने वाला जो भव समुद्र में डुबो डुबो करके हमें जन्म जन्मांतर से नष्ट कर रही है अविद्या उस अविद्या का नाश करने के लिए सर्व समर्थ है विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम पर हरिवंश चंद्र जू ने हमें पराविद्या दे दी पराविद्या राधा नाम सीधे प्रेम प्राप्ति बहुत समुद्र तो कब सूख गया है। इसकी कोई चर्चा नहीं राधा नाम जापक के लिए तो सीधे सीधे प्रेम प्रकाशित राधा नाम रसम सीधे राधा नाम कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटि त्याज्यो स्वयं प्रभु श्री कृष्णचंद्र जू कद की डाल पकड़े हुए शिथिल है प्रेम में राधा 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 ऐसा अश्व प्रवाह कर और ये मैं दर्शन कर रहा हूं श्रीपाद कह रहे हैं ये मैं दर्शन कर रहा हूं ये सुनी बात नहीं कह रहा है ये जो कह रहे हैं कह रहे मैं देख रहा हूं लालजू महाराज जो गोप रमणियों के भी हृदय में अपने सौंदर्य माधुर्य का प्रभाव गोप रमणिया प्रेम की ध्वजा है ऐसे रमणीय हैं कि सब आसक्त चित्त हैं वो राधा 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 रट करके अशुभ प्रवाह कर रहे हैं इसलिए कदापि चित्त चिन मयादु परिचेत इस प्रिहार रोहने रीतम मदन मोहने विद्धताम तदेकांतिकीम नशंतु जनतापने प्रतिवशंतु ब्रंडावने नमन तु कानि मन तु क्वचित हे भाई यदि तुम्हारे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई सत्संग सुन करके चेतन अचेतन संपूर्ण जगत से अब मैं परे हो करके परमात्म परमात्मा प्राप्ति करना चाहता हूं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं देखो इच्छा है भगवत प्राप्ति की इच्छा ही बहुत बड़ी सिद्धि है जिसके अंदर आ गई अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है कदापि कभी भी चिदचिन मापरि चेतन अचेतन से परे चेत स्प्रिहारोहणे मेरे अंदर ये इच्छा जागृत हो गई है कि अब मैं इस चेतन अचेतन संपूर्ण ब्रह्मा के रचे हुए प्रपंच से मुक्त होकर परम विश्राम प्राप्त करना चाहता हूं थक गया हूं कभी थक जाओ बहुत हो गया प्रपंच नहीं अब मुझे श्री जी चाहिए ये बहन कभी तो थक जाओ हार गया प्रभु बहुत बार हार गया अब आप जिताओ तो जीत सकता हूं नहीं तो हारता ही चला जा रहा हूं आपको रोना आ जाएगा रोना क्यों नहीं आता शुष्क हृदय कलुषित हृदय अहम हृदय इसीलिए रोना नहीं आता नहीं चाहे जितनी बड़ी साधना करो भूख इतनी बढ़ जाती है कि लगता है कुछ नहीं जो हमारे अंदर होना चाहिए वो नहीं है ऐसा लगता है अभी नीचता नहीं गई अभी अधमता नहीं गई मैं बड़ा अधम हूं मैं बड़ा नीच हूं कब मैं जिस मार्ग पे रसिक जन चले उस मार्ग में चलूंगा ये हर समय वृत्ति रहती है हर समय वृत्ति रहती है। कैसे कैसे मैं रसिकों के मार्ग में चल पाऊं मैं तो अधम हूं नीच हूं मुझे बल मिले हर समय रात दिन भजन होने पर भी भजन की भूख रात दिन प्रिया प्रीतम से मिले होने पर भी मिलने की चाह ये है रस यदि तुम्हारे अंदर इस चेतन और अचेतन जगत से स्प्रिहा जागृत हो चुकी है स्प्रिहा ये अत्यंत आवश्यक स्प्रिहा हमारे जीवन के लिए जो अत्यंत आवश्यक उसे स्प्रिहा कहते हैं इतना तो होना ही चाहिए जो हमने सुना है जो हमने पढ़ा है वो हम पाना चाहते हैं उसे कामना कहते हैं लेकिन स्प्रिहा यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है जीवन उपयोगी चाह स्प्रिहा कहलाती है तो अब हमारे जीवन की स्प्रिया है चेतन अचेतन से मुक्त होकर प्रेम प्राप्त करना प्रियालाल को प्राप्त करना तो कह रहे ये तुम्हारी अगर इच्छा हो गई हो बहुत समझ ना तो रीतम मदन मोहने विदधताम तदे कांतिकी समस्त संबंधों से रीते हो जाओ रीते माने खाली हो जाओ क्यों क्योंकि वही मन तो लगाना है श्री जी में वही मन रिश्तों में फंसा हुआ है नातों में फंसा हुआ है संबंधों में फंसा हुआ है कैसे तुम मन लगा पाओगे ये जो शास्त्र और संतजन कहते तुम्हारे वैरी थोड़ी हैं नहीं नहीं तुम्हे बहुत प्यार करते हैं तुम जो रिश्ता बनाए हो ये जन्म जन्मांतरों से बनते चले आए कोई हाथ नहीं लगा पिछले जन्म में तुम्हारी कौन पत्नी थी कौन पति था कौन पुत्र था क्या मकान था क्या बैंक बैलेंस था कितने मित्र थे कितने रिश्ते थे आज याद है मात्र किसी के चालीस वर्ष अवस्था पचास वर्ष साठ वर्ष साठ वर्ष पहले की जो संबंधी थे जिनको तुम प्राणों से अधिक प्यार करते थे उनकी याद भी आज नहीं करते कहाँ जन्मे थे कौन थे तुम क्या क्या थे कुछ पता है नहीं ऐसे इस जन्म का भी नहीं पता रहेगा क्यों भूल कर रहे हो यदि तुम्हारे हृदय में चेतन अचेतन ब्रह्मा के रचे हुए इस जादू माया के तमाशा से मुक्त होना है तो इच्छा करो किसकी किसी संबंध को स्वीकार अंदर से नहीं करेंगे अब हम अपनी अहमता और ममता को समेट कर एकमात्र प्रियालाल के चरणों में समर्पित करेंगे यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है ए भाई चूक मत करो किसी से वैर थोड़ी है द्वेष थोड़ी है कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं क्यों बात करेगा क्या लेना है आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है हम कुछ हैं नहीं नहीं भ्रम मत करिए कोई भ्रम मत करिए आपके लिए वो आपसे बात करते हैं आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं दोनों बातें समझ लीजिए जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं सच्चाई से समझ लीजिए अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं वो तुम्हारे लिए तुम्हें दुलार कर रहे हैं निकल चलो तुमे डांट रहे हैं निकल चलो तुम्हें प्यार कर रहे हैं निकल चलो तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना यही काम है ये साफ संतों का यही कार्य तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेट कर अपनी वाणी अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना पर आपके अंदर यह चाह हो जाएगी तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है पर आप तो इन्हीं खिलौनों में राजी हैं और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है आपसे जिसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए मनोचिनारो नाए आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा तुम इनको नहीं रोक पाओगे काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे दुर्गति हो जाएगी और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी अनुराग हो जाएगा जो आशक्ति संसार के संबंधों में है वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं आप अपना अधिकार अपने में मत रखे गुरुजनों को दे दीजिए अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है आप जिस दिशा में चाहें ले चले हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य तो कह रहे कदापि चिन्ह चिन्मयादुपरि चेत रोहणे यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए वही स्नेह जो माता में जो पिता में जो भाई में जो बंधु में पत्नी में पुत्र में वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए आप और सब कुछ दो भगवत प्राप्ति नहीं होगी ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर आपको अभी यह कला नहीं आती है आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते तब तक आपको लगेगा वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही लेकिन पूरा राग यही है ये यह हमारे अमुख है हमारे अमुख है इसलिए इस रहस्य को समझो पहले हटो फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब जीवन सुप्रीति रीति निवाहता अपनी क्योंकि रीति जानता है हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना एकांत की रति विधान करो शब्दों को समझिए एकांत की रति विधान करो अर्थात हमारे हृदय देश में केवल ष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं और बहुत इस बात से हम कमजोर हैं कहीं न कहीं हम अपनी प्रीति हमारा दोस्त है हमारा मित्र है हमारा रिश्ता है हमारा संबंध है तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए जो आपके अरे एक हिरण के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया फिर और और किसकी बात करें इसलिए एकांत की रति विधान करो एकांत की आपकी रति हो चुकी है इसका परिचय आपके सामने भारी विपत्ति आई मन केवल श्री जी में भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन यह एकांत की रति अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता जहां विषयी जन रहते हैं विषयी जन संभाषण करते हैं उस स्थान में उस भीड़ में उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना रतिम मदन मोहने विदधताम तद एकांत एक की भक्ति विरति जन समुदाय प्रपंच भाषण करने वाले इनसे संबंध नहीं नासंतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले तापने हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं मुझे संग नहीं कोई भी हो प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं उनकी चर्चा से मतलब नहीं उनके संबंध से मतलब नहीं तो हमारा आपसे क्या संबंध देखो जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं धन दे सकते हैं व्यवस्था दे सकते हैं पर प्रियालाल की प्रीति नहीं पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने ग्रह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए तो दो तीन दिन जो महाप्रभु को भिक्षाती थी उसी से महाप्रभु देको दे, लगा के नहीं जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए कैसे हम विरक्त होकर के जिए इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक रुपया सामग्री रसोईया सब आ गया क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाडिले पुत्र थे जिस अघुनाथ दास गोस्वामी जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान है सुंदर सुंदर पकवान भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोई सब बनाते प्रभु को भोग लगता महाप्रभु चैतन्य देव को भी और फिर विचार किया क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है मेरा जीवन प्रभु के लिए क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर निवृत्ति मार्ग में नहीं स्वीकृत नहीं है निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन पक्का वो कच्चा बना रहता है ये दृढ़ बात समझ लीजिए आज तक इतिहास है विरक्तों का निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ आप पढ़ करके देख लीजिए चाहे कोई भी हो किसी भी मार्ग का हो जब रत्नावती जी ने उनके लिए चिट्ठी आई पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के माता हमारी इस नाम की रक्षा करना जी हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय और नाई को बुलवाया अपने जो राज रानी के बाल थे उतरवा दिया और संत सभा में बैठ गए आज से कहा राज अन्न का त्याग अब ग्राम नगर के द्वारा दी हुई भिक्षा के द्वारा भरण पोषण होगा इस राजा के द्वारा दिए हुए नहीं और पति थे माधोशी जब यह बात सुनी तो उनको भयंकर क्रोध हुआ मेरे सामने मेरी पत्नी मेरा इस तरह का अपमान मारने का प्रयास किया निष्फल है अंत तो गत्वा चरणों में हाथ रख के माथा रखा है पढ़ के चरित्र देख लेना नहीं इनके महल में रहूंगी नहीं इनका भोजन पाऊंगी विरक्त होकर के माता पिता के द्वारा भरण पोषण होना एक बार एक भिक्षा के लिए तो अनुमति है अगर विरक्त हो गया है एक भिक्षा अगर माता पिता करा दे तो वो स्वीकृत है इसके अलावा नहीं आप चरित्रों को पढ़ के देख सिद्धांत से नहीं चलोगे तो चार दिन बाद फिर उसी में आ जाओगे जब हम विरक्त हो गए पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते तो मेरा नहीं करेंगे क्या आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है हमारा संबंध संसारिक नहीं भागवतिक जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चार दिन हुए फिर अंदर आग लग गई नई पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नई भोगना वापस अब कैसे जिए जहां सिंहपोर पर जगन्नाथ जी के सब भिक्षुक खड़े होते थे उन्हीं के बीच में खड़े हो गए अब जो बांटते हैं तो उनका स्वभाव है लेने वालों का दौड़ दौड़ कर आगे लेना कभी कभी मिलता उनको शांत खड़े रहते तो पा लेते नहीं मिलता प्रसाद तो भूखे रह जाते फिर विचार किया इसमें खड़े होकर के भी एक वृत्ति बनी रहती कि आने वाला देगा यह भी ठीक नहीं एक जगह अन्न क्षेत्र में अन्न बटता था वहां से जाके लाने लगे फिर विचार किया विवेक धैर्य नहीं लेने देता यार हम यहां कोई सेवा तो करते नहीं क्योंकि भर पेट अन्न पाने का जिस क्षेत्र में अधिकार है तो वहां सेवा करना जरूरी चाहे पोछा लगा दो चाहे पत्तल फेंक दो कोई सेवा वहां करनी चाहिए तभी आपका वैराग्य सुरक्षित रहेगा नहीं तो फिर ठीक नहीं है वहां अन्य क्षेत्र में भी छोड़ दिया भोजन लेना आप कैसे जिए तो रात्रि में जो महाप्रसाद गाय को डाल दिया जाता था गाय भी छक के जब नहीं पाती थी तो वो रात्रि के दस ग्यारह बजे निकलते और वो महाप्रसाद जो पड़ा रहता उसको उठा के लाते जल से धोते सड़े सड़े निकाल के चावल फिर उसे पाते महाप्रभु ने पूछा गोविंद गोविंद दास सेवा में रहते गोविंद ये रघु अब क्या पाता है बोले प्रभु बहुत वैराग्य से रह रहे, रहे बताया तो उनका अच्छा ऐसा अमृत अकेले अकेले पाता है हमको कभी निमंत्रण नहीं दिया अब हम चुपके से छीन के पाएंगे महाप्रभु चले रात्रि के ओ जब वो कटोरे पे इतने से चावल सही निकाल कर पानने में लगे थे पीछे से महाप्रभु गए से लिया अरे प्रभु आपने उनका इतना स्वादिष्ट अमृत पाता है और मेरे को कभी निमंत्रण नहीं दिया निहाल उनके लिए आया सोवत हु जब सोते थे, थे तो उनकी जबान से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण इस मार्ग के पथिक निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है आप लोग इस बात को समझें निवृत्ति मार्ग श्री जी के भरोसे का है आप विश्वास कीजिए जब इष्ट के भरोसे में तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या ये कोई बड़ी बात है उनके लिए हम उनका भरोसा त्याग करके निवृत्ति मार्ग के हो करके, और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो भाई ये तो नहीं समझ में आता भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति में प्रवृत्ति बहुत समझ कर संभल कर चलना पड़ेगा जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार तो कह रहे न संत जनता तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए व्यवहार शून्य व्यवहार है ध्यान रखना दस्यों हजार लोगों के दर्शन होते हैं एक का भी परिचय नहीं है हजारों लोगों से संभाषण है एक भी हमारा मित्र नहीं है कि यह हमारा है तुम लोग इसके साक्षी हो यह हमारा बंदा है एक भी नहीं साफ श्री जी के हो श्री जी से संबंध है मैं सिर्फ एक नौकर हूं श्री जी की बात आपको बता देता हूं आपकी बात श्री जी को बता देता हूं हमारे श्री जी इसके सिवा कोई नहीं एकांत की रति जनता से संबंध रहित श्री जी के संबंध से सब जीवन सुप्रीति श्री वृंदावन में वह चिदानंद रस को प्राप्त होता है यह है रहनी वृंदावन विधि बसे तज के सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकेंड नहीं लगा है वो हमारी प्रियाजू के अधीन है हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास कलंक है ये बात हे बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ फिर सामने देखो क्या होता है बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया कभी भी अन्य जगह जगह बचाते वो जानते हैं कि अन्य आश्रय धन का आश्रय वस्तु का आश्रय व्यक्ति का आश्रय ये तुमसे सच्ची बताते हैं गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती पहले समझ में नहीं आती केवल श्री जी का भरोसा रखो जिसने आज दिया है वही कल देगा जब गुरुजी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु रख लो तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे हम इसको पहले से क्यों रखें ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावनवास हो देखना कितना आनंदित रहोगे फिर रोना आता है तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे जब तो आप एकांत में होंगे आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी बात लिख लीजिए चाहे वो द्रौपदी जी हो चाहे गजराज गजेंद्र जी हो चाहे कोई भी हो जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया ताप शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो सिर्फ आप पर ना कोई हमारा नाम हम किसी के सिर्फ आप मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई बात समझो सत्संग की बात को समझो परमार्थ की बात को समझो तो जब कोई हमारे जीवन में प्रश्न आता तो जो नील चादर ओढ़े हुए विराजमान है उनकी चादर की तरफ देखते आकाश की तरफ बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखते तत्काल उत्तर मिला है हमको तत्काल भाग यहां से भाग झोला टांगा रात्रि में भागे जब भागे तब तो रात्रि में भागे भागो भागो भागो, भागो। भागते भागते अब पायो परम विश्राम अब वृंदावन शिव वृंदावन विश्राम सब शोहित निष्कामत शिव वृंदावन विश्राम हे भागते रहो संबंधों से भागते रहो आश्रयों से भागते रहो एक आश्रय केवल हरि गुरु का बस एक विश्राम स्थल जैसे आप रखो जैसे आप रखो हम उसी में राजी हैं समस्त प्राणियों को वृंदावन के नमस्कार बुद्धि से देखो देखो यहां की रहनी वृंदावनी विधि बसे तज के सब अभिमान तृणते नीचो आपको जाने सोई जान तृण से नीच अपने को जो जानता हो सबको नमस्कार करेगा और सच्चाई में देखो तो ऐसा ही है कुछ नहीं है कोहंकार केवल है क्या है हमारे अंदर कुछ नहीं अगर गुरु कृपा न हो प्रियालाल की कृपा न हो तो कुछ नहीं हाथ तो उठा के कहते हैं कोई बल नहीं है बल है तो वो है नहीं तो वो नहीं तो कुछ बल नहीं क्या बल है आप देखो अंदर से देख लो बैठ के तुम्हारे अंदर क्या बल है फिसलकर गड्ढे में गिरने का तो बल है लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है फिसल कर फिसलने में क्या बल फिसल कर गिरने का तो है लेकिन गिर के संभलने का बल यह केवल गुरु का बल है यह केवल इष्ट का बल है इसलिए धाम वृंदावन का आश्रय और स्वीकार करो सबसे छोटा अपने को समझो समस्त प्राणियों को नमस्कार करो क्यों क्योंकि कहीं कोई वृंदावन में किसी का अपराध न बन जाए नमन्तु ननुजन्तु कानिह न रस्तु क्वचित कहीं ऐसा ना हो जाए यहाँ किसी भी जंतु का किसी भी जीव का किसी भी शरीरधारी का अपराध न बन जाए अगर वृंदावन में कोई अपराध न बनने पावे और सबको हम नमस्कार करके रहे और श्री जी का केवल भरोसा रहे तो आप चमत्कार देख लेंगे अध्यात्म आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा जैसे जैसे अध्यात्म प्रकाशित होता है वैसे वैसे शांत होता चला जाता है मन शांत होता चला जाता है। कोई वासना हृदय में नहीं रहती पूज्य श्री उड़िया बाबाजी महाराज से प्रश्न किया पीछे वर्णन किया गया था कि बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं क्यों द्वेष करने लगते हैं वो तो किसी से द्वेष नहीं करते जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं अद्वेष्टा स्वर्व नाम फिर ये क्यों होता है निंदा क्यों करते हैं तो कहते भगवान की दो शक्तियां एक है माया और एक है प्रेम भक्ति जो प्रेम भक्ति से विमुख उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं तो उनका द्वेष बन जाता है महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे जैसे कहावत में आता है कि एक को बहुत कोशिश की पाने की जब नहीं मिले तो हैं प्रयास किया लेकिन नहीं मिला तो उनका प्रयास माया जनित है तो प्रेम या भक्ति या सदगुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए बड़े बड़े भक्तों का उन्हीं के गांव के लोग उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया द्वेष, निंदा मारने की चेष्टा अपमान ऐसे अच्छा सोचो उड़िया बाबा जैसे महापुरुष से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मारने के लिए आदमी लगा दे विचार करके देखो पैसा देकर भेजा गया था कि सत्संग में जाके नाक काट लो वो आदमी चुपचाप चाकू लेकर के आया और प्रणाम के बहाने तो संतों के सामने कौन रोक तत्काल चाकू निकाली और जे भी मारा तो हाथ पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चल मतलब थोड़ा सा ऐसे खून निकलने लगा ऐसे बाबा ने रोका पकड़ा और गुफा में ले गया आज भी गुफा नीचे जो बनी हुई बैठे और गरम दूध चीनी डाल के मंगवाया पिलाया और कहा धैर्य धारण करो बिल्कुल डरो तो मत तुम्हें कोई नहीं मारेगा तुमने ऐसा क्यों किया तो रो पड़ा संत कृपा देख के और कहा बाबा मुझे इतने हजार रुपए देने की बात कही गई थी कि बाबा मैं गरीब आदमी हूं पैसे के लोभ से बुद्धि मारी गई उन्होंने कहा बस तुम ऐसे नाक में चाकू मार देना ऐसा बाबा कोई बात नहीं कहां से आए हो? बोले हाथ रस के हैं बाबा ने यह नहीं पूछा कि किसने भेजा है चतुरता इस, इस बात की कि सबसे शिष्य थे अगर ये पता चल जाए कि किसने तो उससे द्रोह हो जाएगा ना बस इतना पूछा था क्यों तुमने ऐसा किया तो बोले मुझे पैसा दे। ये नहीं पूछा किसने किया क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा अपने शिष्यों से कहा शपथ है हमारी इसे डांटना भी नहीं और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल कर गया चल जाओ बोलो ऐसे महापुरुष को फिर बाद में लीला द्वेष की हद हो गई संसार द्वेष के सूली पे चढ़ा दिया जहर पिला दिया मेरा जी को जहर पिला प्रल्लाद जी को क्या क्यों ऐसा करते हैं लोग बोले माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते हैं तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है जलन पैदा होती स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो बस ये सोचते हैं कैसे इनके बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ क्यों पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से ऐसा ऐसा क्यों होता है तो बोलिए माया शक्ति कि जिसके हृदय में माया का प्रभाव मलिन हृदय होता है वो संतों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं जो कि द्वेष के पात्र नहीं है वो, किसी से वो द्वेष नहीं करते एक संत आप चरित्र उठा करके देखो संतों से द्वेष करने वाले प्रत्येक महापुरुष के जीवन में देखा गया कि द्वेष करने वाले और कोई कोई तो उन्हीं के पार्षदों के रूप में द्वेष करने लगे उन्हीं के पार्षद बनकर उनकी खिलाफत करने लगे और उन्हीं के पार्षदों के द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया बड़ा विचित्र माया का खेल है इसी से वो भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों से द्रोह करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं तो क्या इससे बचा जा सकता है यदि भगवान का नाम जब करने लगे भगवान का आश्रय ले ले तो दृष्टि बदल जाएगी आप देख लेना दृष्टि बदल जाएगी नाम जापक सहृदय होता है वो घोर पापी पर भी प्यार करता है लोग समझते नहीं उनके हृदय को घोर पापी को भी वो प्यार करके भगवान से मिलाना चाहते हैं यदि आप नाम जब करते हैं तो आप बच सकते हैं नहीं संत द्रोह की वृत्ति अंदर पैदा हो जाएगी ये माया है ये जहां किसी महापुरुष का यश सुन तो वही निंदा शुरू कर देता है क्योंकि माया उसका पतन कराती है और भक्ति उत्थान कराती है महाराज जैसे गोपी जन्म अपने श्री कृष्ण प्रेम में डूबी थी ऐसे कैसे डूबा जा सकता है क्या किया जाए जिससे हम गोपीजनों की तरह प्रेम करने लगे अपने आराध्य देव से जब अपने इष्ट देव के शिवा और कोई भी हमारा प्यारा ना रहे पहली शर्त इतना इष्ट देव से अपनापन हो कि और किसी से हमारा संबंध न रह जाए जैसे जहां बंशी बजी तो पुत्र पति परिवार सबका विस्मरण करके गोपी जन श्री कृष्ण की तरफ चल दी इसका मतलब पहले से ही संबंध नहीं था थी सबके बीच में पर केवल संबंध श्री कृष्ण से था अनन्य प्रेम की प्राप्ति के लिए अब हम साधन बताते हैं बाबा कह रहे पहले अपने इष्ट देव की बाह्य मूर्ति सेवा विराजमान करनी चाहिए या नाम शेवा? सेवा सेवा विराजमान करनी चाहिए और उस बाह्य सेवा को साक्षात समझ करके करना चाहिए साक्षात समझ कर साक्षात विराजमान है ऐसा भाव बाह्य पूजा के साथ साथ मानसिक सेवा का बहुत बड़ा योग है और यह बाह्य सेवा से ही मानसिक सेवा प्रारंभ हो जाती है सेवा तभी पूर्ण होती है जब आप पहले उसका चिंतन करेंगे चिंतन नहीं करेंगे तो सेवा पूर्ण नहीं होगी वास्तविक सेवा सही नहीं हो पाएगी पहले आज श्री जी को कौन सा शा, पोशाक धारण कराना है कौन सी पत्रावली करनी है और कैसे केशपाश्रमा आज कौन से कुंडल अच्छा ऐसे कुंडल ऐसे ऐसे और आज भोग में क्या क्या ये भोग में ऐसे श्री जी यहाँ विराजमान होगी ऐसे होगा ऐसे छत्र होगा ऐसे भोग लगेगा पूरी मानसिक चिंतन होता है फिर वो सेवा प्रगट में होती है तो प्रगट सेवा ही मानसिक सेवा में पहुंचा देती है पूज्य बाबा कह रहे गोपीजनों की तरह प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने इष्ट का चयन और इष्ट की अनन्यता इष्ट की अनन्यता इष्ट की अनन्यता में आ गया अपने इष्ट का नाम जपना अपने इष्ट का मंत्र जपना अपने इष्ट का ही गुणगान करना अपने इष्ट के विषय में ही सोचना ये सब आ गया फिर इष्ट के श्री विग्रह की मूर्ति की, की छवि की नाम की सेवा विराजमान करना और जैसे गृहस्थ है तो जितने याम कर सके जितना कर सके लेकिन अगर विरक्त है तो आठ पैर की सेवा हमारे पास और कोई काम नहीं हमारी जुम्मेवारी है आठ पैर की सेवा बाह्य पूजा मानसिक पूजा दोनों एक साथ साथ चलती है उपासक की ध्यान देकर के अगर आप सेवा करोगे तो देखोगे आपकी मानसिक सेवा होगी आज वो वाली नथ पहनानी है वो ऐसे धारण करानी है हाँ, आज इस रंग की पत्रा वाले कर, इस रंग की चोली इस रंग के ऊपर चुनरी और इस रंग का लहरंगा और ऐसे ये जो हो रहा है ना ये मानसिक सेवा हो रही है बहुत बड़ी चीज हो रही है देखो आप लोग जो चिंतन करते आज फूल बंगला ऐसे बनाना है आज ऐसे बहुत बड़ी सेवा रही आज श्री जी की रसोई ये ये ये, ये।, ये मानसिक जो सेवा और बहुत जोर की सेवा प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा और मानसिक सेवा ही सिद्धावस्था को प्रदान करती है ये बात ध्यान दीजिए और जो इष्ट का नाम मिला है वो केवल जबान से ही नहीं चिंतन के साथ होना चाहिए प्रेम की बात कर रहे हैं केवल हम जवान से रट रहे हैं। मंगल है लेकिन यहां कह रहे हैं गोपी प्रेम की बात गोपी जैसा प्रेम उसका चिंतन होना चाहिए जैसे राधा राधा तो हमारा चिंतन भी हो रहा है बाह्य जब से बहुत समय लगेगा जब बाह्य जब और आंतरिक चिंतन दोनों एक साथ होंगे बहुत जल्दी वासनाओं का नाश होकर आनंद की उत्पत्ति होती है केवल बाह्य जब से बहुत काल के बाद लाभ मिलता है बाह्य जब के साथ आंतरिक ध्यान से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है इष्ट देव का चयन इष्ट देव की अनन्यता इष्ट देव की प्रगट सेवा मानसिक सेवा और इष्ट देव का नाम ध्यान सहित जप और इष्ट देव के ही गुणों का चिंतन करना हमारे श्री जी का ऐसा स्वभाव हमारे लाल जी का ऐसा स्वभाव उन्हीं की तरफ चिंतन करना अन्य सब संबंध चिंतन को छोड़ना गोपी प्रेम की प्राप्ति है महाराज जी सुनते हैं श्री सुखदेव जी का वैराग्य बहुत तीव्र और उच्च कोटि का था क्या ऐसा कोई साधक वैराग्य नहीं धारण कर सकता इस कोटि का वैराग्य क्या साधु के अंदर साधक के अंदर नहीं आ सकता निश्चित आ सकता है पर ये सकामी साधक के अंदर नहीं विषयी साधक के अंदर नहीं जो निष्काम भाव से दृढ़ निश्चयी है कि केवल शरीर पोषण के लिए वस्त्र और भोग आदि जो प्रारब्ध वशात कोई चाह नहीं उसके हृदय में तीव्र वैराग्य जागृत होता है दृढ़ लक्ष्य दृढ़ निश्चय, शरीर की भी परवाह नहीं खान पान ते भावे है नहीं कोमल वसन सुहावे है सब विषय लगे ते खा रहा है हरियासिक का मग्न आ रहा है जो अंदर से दृढ़ निश्चय नहीं है अंदर से भगवत प्रेम का भाव लक्ष्य नहीं है तो बाह्य त्याग फिर दंभ पैदा कर देता है दिखावटी पना फिराने लगता है जो बहुत ही साधक के जीवन में धोखा पैदा कर देता है ये बुद्धि है बहुत जल्दी सिद्ध होना चाहती है फिर वो नाटक शुरू कर देता है बहुत शास्त्र विरुद्ध आचरण होने लगते हैं इसलिए निष्काम भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य निरंतर भगवत चिंतन खान पान आदि से राग रहित तो श्री सुखदेव जी जैसा वैराग्य आ ही जाएगा पूज बाबा कहते ऐसा नहीं कि उनको जो वैराग्य था वो किसी को प्राप्त ही नहीं हो सकता लाखों हो गए हैं देखा थोड़ी सबने लाखों हो गए लाखों हैं लाखों होते रहेंगे ये भगवान की सृष्टि है जैसे जड़ भरत जी की स्थिति आई उनसे ऊंची ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए उनसे ऊंची स्थिति के ज्ञानी महापुरुष देखे गए पर चर्चा उनकी गाई गई है भगवान सबदेव जी के पुत्र है। लेकिन ऐसे लाखों जड़ भरत हो चुके लाखों होंगे ये भगवान की सृष्टि ऐसे ऐसे महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न देखे गए जिन बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति निरपेक्षता की मूर्ति हाँ जिस दिन से सन्यास हुआ कभी वस्त्र ही नहीं धारण किया दिगंबर गंगा जी का किनारा वही और ऐसा सरल स्वभाव मतलब देखने से ऐसा लगता था देखता ही रहे कोई ऐसे सब जटा सब बाल से दिगंबर बैठे हुए वो भोला बालक जैसा चेहरा वो तपस्या के धनी बड़े बड़े धर्म सम्राट कर पात्री जी आदि साष्टांग दंडवत करते अश्वनी अश्वि गंगा किनारे स्वामी श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी सेनपुर स्वामी श्री मगनानंद सरस्वती जी नजबगढ़ श्री स्वामी ओंकारानंद ये गंगा का किनारा ना एक से एक महापुरुष सिद्ध महापुरुष पूज्य बाबा ये भगवान की प्राप्ति भगवान की इच्छा पर निर्भर है या पुरुषार्थ पर निर्भर है भगवत प्राप्ति भगवत इच्छा पर निर्भर है कि वो जिसको चाहेंगे मिल जाएंगे या अपना भी कोई पुरुषार्थ है भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए जो पुरुषार्थ करता है उसी को भगवत प्राप्ति होती है ये कायरता नहीं कि बैठे भगवान की इच्छा होगी तो भगवान मिल जाएंगे ऐसे कभी नहीं होगा देखो जो वर्णन कर रहे हैं महापुरुष भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयासशील जितनी हम में सामर्थ्य है निश्चित तो उसको ही भगवत प्राप्ति होती है जिसका जितना तीव्र पुरुषार्थ होगा उसका उतना ही भगवत कृपा उसके ऊपर उतरेगी पुरुषार्थ अत्यंत आवश्यक रात दिन जो लगे हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है भगवान की इच्छा की बात है ये छोड़ दो भगवान पर फल की सिद्धि असिद्धि में हम हमारा प्रयास पूरा रहेगा उसी को भगवत प्राप्ति होगी सिद्धि असिद्धि में सम रहो लाभ मिला कि नहीं मिला फायदा हुआ कि नहीं इस पर सम रहो इस पर ध्यान मत दो तुम पुरुषार्थ करते रहो प्रयास करते रहो निश्चित तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी पक्का देखो ये पूरे जीवन की यात्रा की बात है चार दिन में सुधरने वाले नहीं है विश्वास हमारी बात पर करना ये कोई छोटे मोटे शत्रु नहीं है नहीं तो तुम्हारी साधना फिर ढीली हो जाएगी कि दो साल हो गए अभी तो हम काम विजयी नहीं हुए क्रोध विजयी नहीं हुए अभी हम लोभ विजयी नहीं हुए मोह विजयी छोड़ो ये सब बात तुम भजन का पुरुषार्थ करो जैसी स्थिति है वैसे शांत रहो शांति से ये नष्ट हो जाएंगे निरंतर भगवान के स्मरण में लगे रहो भक्तों की ये मान्यता फल पर होती है कि भगवान जैसा चाहे लेकिन पुरुषार्थ पर नहीं हमें जो समय जो दिनचर्या जो भजन उस पर हम कायर बन करके नहीं बैठेंगे और जैसा भगवान नहीं उसके लिए हमें जो गुरुदेव ने आज्ञा करी जो दिनचर्या जो भजन उस पर तत्पर रहेंगे आप बहुत जोर देते हैं भजन पर तो भजन किसे कहते हैं अर्थात हम किसको माने कि भजन हो रहा है उत्तर अंताकरण में निरंतर अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन होना भजन कहा जाता है अंतःकरण शब्द बोला है यहां से गाढ़ चिंतन होना निरंतर भजन कहते हैं जिसे भगवदाकार का वृत्ति उसे भजन कहते हैं दूसरा भजन का अर्थ है शेव्य को सुख पहुंचाना सेवा भज धातु तो सेवायाम उपासक दो ये बातें पकड़े रहता है उसे भजनानंदी कहते हैं अंतःकरण से अपने इष्ट का गाढ़ चिंतन वो रूप का हो नाम का हो मंत्र का हो और शरीर से प्रकट सेवा में प्रतिपल लगे रहना ये दो वृत्ति जिसके अंदर है वो भजनानंदी है सेवा में चाहे वो गृहस्थी की सेवा हो व्यापार हो नौकरी हो किसानी हो या विरक्ति की सेवा में जो 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 भी सेवाएं हैं शरीर से प्रतिपल सेव्य को सुख पहुंचाने के लिए सेवा और हृदय से प्रतिपल आराध्य देव का स्मरण इस इसी का नाम भजन है और यही भजन परमानंद प्रदान करता है यही भजन महापुरुष बना देता है यही सेव्य के समान कर देता है प्रभु सेव्य है प्रभु के समान कर ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती तो भजन क्यों करना चाहिए अरे अपना कमाते हैं खाते हैं जी रहे हैं। क्यों भजन करें भजन इसलिए करना चाहिए कि हम अवगुणी हैं जन्म जन्मांतर से अवगुण छोड़ने के लिए हमारे अंदर बड़ी नीच वासनाएं हैं उन वासनाओं का नाश करने के लिए हम बड़े हीन विचार वाले हैं उन विचारों का नाश करने के लिए हमें हर तरफ से दुख ने घेर रखा है उस दुख का नाश करने के लिए जन्म मरण से छूटने के लिए यह हमें भजन करना है हम जिसका भजन करते हैं उसके सारे सदगुण हमारे अंदर आ जाते हैं अतः हमें नाशवान वस्तु व्यक्ति का भजन नहीं करना अविनाशी का भजन करना है वो है श्री भगवान भजन करने से सबसे बड़े भगवान है तो सबसे बड़ा बन जाता है ये दीनहीन विचार ये दुख ये दुविधा ये संशय दरिद्रता जन्म मरण ये सब कूड़ा करकट खत्म हो जाता है इसलिए भजन करना अत्यंत आवश्यक है भजन करना अत्यंत आवश्यक है इससे विशेष लाभ क्या होता है भजन से विशेष लाभ यह होता है कि जहां से हम बिछुरे थे वहीं हम पहुंच जाते हैं कहा से बिछ रहे हैं प्रभु से कितना गलत हो गया है भगवान ऐसा लगता कोई और है। और संसार लगता ये मेरे और वो, वो मेरे पिता है मेरे स्वामी मेरे प्रीतम मेरे सब कुछ और उनको मैं भूल गया ये बात जानने के लिए जब हम भजन करते हैं तो हमारे हृदय में आ जाता है कि हमारे प्रभु है फिर जो सुख प्राप्त होता है वो कभी किसी लोक और भोग में नहीं प्राप्त होता प्रेम स्वरूप हमारे इष्ट हैं तो हमारा प्रेम स्वरूप जागृत हो जाता है भजन का लाभ है भगवान से बिछुड़े थे भगवान से मिल जाना अगर भजन ना करे तो पहले कहा भजन क्यों करना चाहिए अब कह रहे हैं अगर भजन ना करे तो अगर भजन नहीं करोगे तो विषय फंसा लेंगे काम क्रोध लोभ मद और तुम्हारी दुर्गति कर देंगे ये क्षण भंगुर विषयों का चिंतन होगा क्षण भंगुर विषयों का भोग होगा तो तुम्हें एक क्षण भी सुख का अनुभव नहीं होगा दुख ही दुख तुम्हें घेर लेगा अतः निरंतर भजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि कोई विषय चिंतन न बने कोई विषय क्रिया ना हो कोई विषय हमें दुख में फंसा ना पावे सबसे बड़ा लाभ निरंतर भजन है भजन करने का अधिकारी कौन है बहुत बड़े ज्ञानी प्रश्नकर्ता श्री अखंडानंद सरस्वती जी भजन करने का अधिकारी कौन है बाबा सब सब भजन करने के अधिक सब का अधिकार है भजन करने बाल बच्चा कोई भी पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर गोए सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम परि सोय बाबा ये भजन करने वालों में भी पाप कर्म देखे जाते हैं ये क्यों नहीं छूटते हैं भजन तो सब पापों का नाश कर देता है फिर भजन करने वालों से पाप कर्म क्यों नहीं छूटते क्योंकि वो सही भजन नहीं करते हैं बहुत ध्यान से समझना वो विषय चिंतन करते हैं विषय भोग करते हैं उस समय भजन छोड़ देते हैं जिससे पाप बनता है भजन में अरुचि होती है हम इसीलिए तो कह रहे हैं निरंतर भजन करो विषय चिंतन मत करो जो भजन भी करता है और विषय चिंतन और विषय भोग भी करता है उसको जन्म जन्मांतर लग जाएंगे बाबा कह रहे हैं क्योंकि जन्म जन्मांतर इसी से होते चले आ रहे हैं बार बार विषय चिंतन बार बार विषय भोग इसीलिए तो हम कहते हैं भैया एक जन्म का सारा का सारा मेहनत समय इस बात में लगा लो कि विषय चिंतन न होने पावे पाप कर्म ना होने पावे भजन बन जाए हम अगर एक जन्म प्रभु को दे देते तो अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाती है तो घाटा थोड़ी है लाभ ही लाभ है जितना समय भजन नहीं करेंगे उतना समय मन विषय चिंतन करेगा और आपके द्वारा पाप कर्म हो ही जाएगा पाप कर्म होगा तो सबसे पहले गुरु में अश्रद्धा होगी फिर इष्ट भजन में अरुचि होगी ये उसका लक्ष्य कहीं भी अपराध करो वो पहले आपके गुरु संबंध को तोड़ेगा तभी तुम्हारे ऊपर प्रहार कर सकता है नहीं गुरु कृपा पात्र पर प्रहार नहीं कर सकती माया पहला कार्य करेगी गुरु संबंध छुड़वाएगी इष्ट चिंतन छुड़वाएगी इसलिए हम कहते हैं जितना जितना समय तुम विषय चिंतन में देते हो अगर वो भी भजन में दे दो तो पाप छूट जाएंगे नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे भजन का अनुभव नहीं होगा कहा जाता है कि भजन करने वाला एकांत सेवन करे इसका मतलब क्या होता है क्योंकि हम जब वृत्ति को एक ईश्वर में प्रभु में लगाना चाहते हैं तो यदि हम ज्यादा भजन विरोधी व्यक्तियों का संग करेंगे व्यवहार करेंगे खान पान करेंगे तो हमारी वृत्ति भजन में नहीं लगेगी हमारा खान पान हमारा व्यवहार एकांतिक होना चाहिए कैसा एकांतिक हम 501 एक ही प्रभु का नाम जपने वाले पा रहे हैं तो हम अकेले पा रहे हैं ऐसा समझ लो और दो व्यक्ति हैं एक विषयी है प्रपंची है तो मान लो हमारा भारी कुसंग हो रहा है हम 500 में भी एक हैं और वहां एक में भी हम भारी प्रपंच में फंसे हुए हैं ये एकांतिक भाषा को समझ लीजिए हम इतने लोग बैठे हैं इस समय सब एकांत है बोलो किसके मन में क्या चल रहा है एक प्रभु की चर्चा सुन रहे तो हम सबका मन एक ही है एकांत का मतलब होता है अपने इष्ट के अनुरागियों का ही संग करना अपने इष्ट में ही प्रीति हो ऐसा खान पान व्यवहार करना इष्ट विरोधी वृत्ति इष्ट विरोधी व्यक्ति इष्ट विरोधी व्यवहार इसका त्यागी सदैव एकांतिक ही माना जाता है एकांत में कमरे में पड़ा है इष्ट विरोधी चिंतन कर रहा है प्रपंची एक केवल साथ चल रहा है वो इष्ट विरोधी व्यवहारी है प्रपंच हजार लोग एक साथ बैठे हुए हैं इष्ट के अनुकूल वो एक माना जाएगा वैसे मुख्य बात भजन करने वालों को क्या नहीं करना चाहिए तो मुख्य बात है प्रवृत्ति में रहने वाले लोगों का संग नहीं करना चाहिए प्रवृत्ति विषय भोगों में स्वामी जी ने पूछा भजन करने वाले को मुख्य सावधानी क्या रखनी चाहिए तो बोले मुख्य सावधानी है कि प्रवृत्ति में रहने वालों का संग नहीं करना चाहिए भजनानंदी को क्यों एक प्रवृत्ति देखी मैथुन धर्म की सौभरी जी ने तो पचास ब्याह किए तब उन्होंने श्लोक लिखा संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुक्षु सर्वात्म नान विश्वजेत बहिरेन्द्रिया मुक्षु संसार से मुक्त होने वाले साधक ये जो मैथुन प्रवृत्ति में युक्त जन है इनका संग भूल के भी मत करना उनमें परमाणु है ऐसे वो तुम्हारे को विचलित कर देंगे तुम्हारे भजन को छीन लेंगे तुम्हारा भजन का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा संगम त्यजीत मिथुन वृत्ति नाम यही बाबा ने बताया भजन करने वालों को विशेष त्याग की बात क्या है क्या ऐसा है जो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो बोले जो प्रवृत्ति में संसार के भोगों में है निवृत्ति मार्ग के उपासक भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपास उनका संग नहीं करना उनके साथ चलना उनसे संभाषण करना ऐसा है। अगर भगवत चर्चा जनित प्रश्न है आप उत्तर देने की क्षमता रखते हैं इसके बाद राग नहीं करेंगे क्षमता को तो मतलब समझते हो जैसे मैं आपसे संभाषण किया अब आप आपकी याद नहीं आनी चाहिए संभाषण हटने के बाद अगर आपकी छवि आई हमारे दिमाग में आपका चिंतन हुआ तो इसका मतलब आप अभी अधिकारी नहीं हैं लाखों से संभाषण हो लेकिन सब में राधा वल्लभ लाल की ही स्मृति रहे राधा वल्लभ लाल एकांतिक में ध्यान में रहने चाहिए एक भी छवि बाहरी नहीं आनी चाहिए तब वो अधिकार प्राप्त होता है समाज सेवा का उपासक को अधिकाधिक भजन में प्रवृत्ति करने वाले को ऐसे संघ का त्याग करना चाहिए बहुत जोरदार का संघ होता है प्रपंच का जैसे संत संघ की महिमा है ऐसे प्रवृत्ति मार्ग के संग की भी महिमा है सीधे प्रवृत्ति में उतार देते सीधे प्रवृत्ति में बहुत सावधान बहुत सावधान ये महापुरुष जन ऐसे नहीं बोल रहे बहुत सावधान प्रवृत्ति मार्ग के जनों का संग करना सबसे ज्यादा त्याज्य विषय भजन करने वालों को है ये ध्यान रखें बहुत तरह से फसाव हो जाते बहुत तरह से जलना पड़ता है जलना पड़ता है महसूस होता है कि हमने गलत किया जो हमने स्वीकार किया वो गलत किया महसूस होता है पर एक बार स्वीकृति हो गई तो कुछ भी हो इनका बेड़ा पार होना चाहिए जिद्दी स्वभाव संतों का होता है पर महसूस होता है जब तक वैराग्य की प्रबल भूख न जागृत हो जाए और जब तक भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य न हो जाए तब तक संग नहीं करना चाहिए रंग जो है वही चढ़ेगा जैसा हम करते हैं महाराज सकाम भक्ति सुनते हैं और निष्काम भक्ति सुनते हैं तो इसका क्या मतलब है सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का अंतर क्या है जो केवल प्रभु को चाहता है उसे निष्काम भक्त कहते हैं और जो प्रभु से चाहता है उसे सकाम भक्त कहते हैं सीधी भाषा में वह जो केवल प्रभु को चाहता है वो निष्काम भक्त है जो प्रभु से चाहता है वो सकाम भक्त है जो केवल गुरुदेव को चाहता है वो निष्काम भक्त है जो गुरुदेव से चाहता है अपनी अनुकूलता अपने लिए अपने। वो सकामता और निष्कामता में है प्रभु से संबंध सिर्फ प्रभु चाहिए प्रभु का वैभव प्रभु से कुछ नहीं सिर्फ प्रभु से प्रभु चाहिए आप चाहिए आप गुरुदेव से सिर्फ गुरुदेव चाहिए आप अपने स्वरूप में स्थित हैं आप अपने स्वरूप का बोध करा दीजिए जो हम आपके शरण में हुए हैं हम आप में तदात्म हो जाए बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए केवल प्रभु से कोई चाह चाहना प्रभु से प्यार ना होना सकामियों का लक्षण है प्रभु से कुछ न चाहना केवल प्रभु से प्यार करना यह निष्कामियों का लक्षण है ऐसे बड़े बिरले निष्काम और महाप्रभु अपने धर्म के लिए तो कहते हैं सबसे पहले कह रहे सबसोहित निष्काम कोई चाह नहीं सुना है कि परा भक्ति और ज्ञान में कुछ अंतर रहता है या नहीं आपका क्या विचार है क्योंकि पराभक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग हैं पर है क्या तो हम तो नारायण स्वामी के विचार को ही स्वीकार करते हैं पूज्य बाबा कह रहे हैं। पराभक्ति और ज्ञान में तनिको ना ही भेद नारायण मुख्य प्रेम है कहे संत अरुवेद जब पराभक्ति को उपासक प्राप्त होता है तो उसमें शुद्ध ब्रह्म बोध भी रहता है और भगवत प्रेम भी रहता है ये बड़े आश्चर्य की बात है गीता जी में तो संकेत रूप में बोध को ही प्रधान कहा ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षत समा सर्वेश भूतें सुमदक्ति लभते पराम मेरी पराभक्ति का परम लाभ क्या हुआ कि ब्रह्मभूत हो गया और बाबा नारायण स्वामी के दोहे से कह रहे कि पराभक्ति में एक चमत्कार विशेष ये होता है कि उसे ब्रह्मबोध भी हो जाता है आत्मस्वरूप का बोध भी और भगवत प्रेम भी हो जाता है पराभक्ति और ज्ञान में तन को ना ही भेद पर इतना है कि इसमें मुख्य प्रेम भगवदाकार भी रहता स्वरूप बोध भी हो जाता है जो पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं एक पुरुष के द्वारा कई मार्गों में नहीं चला जा सकता इसलिए साधक एक मार्ग का चयन कर ले और अपने गुरु प्रदत्त भजन भक्ति का विस्तार करें आगे बढ़ाता चला जाए इतना जरूर ध्यान में रहे कि भक्ति में विषय सुख नहीं है अगर विषय सुख की आकांक्षा करेगा तो भक्ति अंतर ध्यान हो जाएगी ऐसा मान लेके हमारे भाग्य में नहीं है मान लो ना पर बड़े भाग्य हैं कोई भाग्यहीन थोड़ी हो ये जो विषय सुख है ये तो पापियों को भी प्राप्त है सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर। तो तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है तुम उससे हंसने के लिए तैयार हो रहे हो उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो रहे हो जो बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते तुम्हारे भाग्य ऐसे नहीं है ध्यान मन ध्यान धरत थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ और जब निकस कुंज ठाढ़े भय और भुजा परस्परंश जब इनको तुम देखोगे तब कैसा होगा आनंद समुद्र प्रिया प्रीतम तो। उपासक विषय सुख भक्ति में बहुत बाधक है जिसको भक्ति की सिद्धि करनी है प्रेम प्राप्त करना है तो विषय सुख से बचना चाहिए मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम तो नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम ये दोहा एक संत भगवान थे गंगा के किनारे मिले थे ये बार बार कहते थे जो बड़ी मस्ती में गाते थे मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम नारायण भूल्यो सभी खान पान विश्राम विषय सुख भक्ति में नहीं ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ही नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाही जब विषय सुख का सेवन साधक करने लगता है तो प्रभु का चिंतन छूटने लगता है प्रभु में सुख नहीं लगता है ये सबसे बड़ी कमी की बात अगर आपको भजन करते प्रभु में सुख नहीं लग रहा तो आप कहीं विषय सुख ले रहे हैं ध्यान दीजिए जब प्रभु के चिंतन करते करते आपके आंसू निकलने लगे रोमांच होने लगे अब सुख आया है इसलिए कुछ समय तक ये झूठे विषय सुख से बचो कुछ अच्छा नहीं लगता सच्ची भगवान वो सब संयोग प्रदान करते हैं खान पान विश्राम सब कुछ अच्छा नहीं लगता जो मन प्रभु के चरणारविंद का आशिक हो जाता कुछ अच्छा नहीं कोई उसे अच्छा ही नहीं लगता सच्ची मानिए कुछ अच्छा नहीं लगता सब कुछ है पर कुछ अच्छा नहीं लगता क्यों क्योंकि जो वास्तविक अच्छा लग रहा था सब में वो अनंत ब्रह्मांडों का अच्छा लगने वाला अब अब अच्छा लगने लगा है इसलिए अच्छा नहीं लगता अगर किसी का शरीर अच्छा लग रहा है तो कृष्ण है इसलिए अच्छा लग रहा है वो अंतर हो जाएं तो कहां अच्छा लगेगा किसी वस्तु में आकर्षण है तो कृष्ण का है और अब सीधे कृष्ण का आकर्षण हो गया तो अब कैसे अच्छा लगेगा इसलिए विषय सुख का त्याग करते हुए विषयी पुरुषों के संग का त्याग करते हुए हृदय से निरंतर इष्ट चिंतन और शरीर से अपने कर्तव्य कर्म रूपी सेवा इसी से भगवत प्राप्ति इसी से प्रेम प्राप्ति इसी से तत्व तो बोध हो जाता है शेष चर्चा आगे श्राधा